हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आर न्यू सिंप्लीफाइड। और आज के न्यू सिंप्लीफाइड में हम बात करने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल था, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद क्योटो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसमें बात करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड, कैसे ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है आता है। सेकेंडली हम देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो क्या हैं, क्या इसके जो टारगेट्स हैं वो सब क्या थे, वो सब देखने वाले हैं। एंड थर्ड, इनकी जो डिटेल है, जैसे इसमें काफी सारे मैकेनिज्म आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो उनकी डिटेल्स जो है वन बाय वन करके हम समझने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट मैच। ये कुछ आपके टर्म्स लिखी हुई हैं, आगे आपको देखना है। नॉन एनेक्स कंट्रीज जो है उसमें दिया हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये सही है कि नहीं ये आपको बताना है। एनेक्स बी कंट्रीज आर द कंट्रीज विद बाइंडिंग टारगेट्स, ठीक है। और जो बेस ईयर है इन क्योटो प्रोटोकॉल दैट इज 1990, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है वन ओनली, टू एंड थ्री, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, राइट। तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं बताने वाला हूं और आपको खुद भी पता लग जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इसके बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड में अगर बात करें तो हमारी एक रियो अर्थ समिट होती है 1992 में। इसमें रियलाइज़ किया जाता है कि हमने काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा हमारी जो नेचर थी वो बैलेंस उसका ख़राब भी हो रहा था। तो हमने ये रियलाइज़ तो कर लिया, अब इसके लिए क्या करना है, तो कुछ स्टेप्स उठाने थे हमें। तो यहाँ से एक बॉडी निकल के आती है, दैट इज़ UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस 1994 की कन्वेंशन में लगभग सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें पार्टीज़ हैं। अब इसमें जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इसकी, ये हर साल मिलती है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पे कोई भी डिसीजन होता है हर साल, जो ये COP होती है इसमें कोई डिसीजन लिया जाता है। अब कुछ टाइम होता है तो ये देखा जाता है कि भाई ये कन्वेंशंस जो हमने साइन वाइन करी हैं इनसे कुछ खास हो नहीं रहा है, हमें कुछ बड़ा लीगली बाइंडिंग कुछ ऐसा स्टेप उठाना होगा। इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए COP 3rd होती है, तो ये पीरियड होगा 1997, 4 में बना था, 5th, 6th, 7th, तो 7th में 3rd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। और वहाँ पे क्योंकि ये क्योटो में हुई थी तो क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया जाता है, क्योटो के साथ हम आते हैं। तो इस क्योटो में क्या कहा जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो इसका बैकग्राउंड ये था, ठीक है। अब यहाँ पे 1997 में तो एग्री कर लिया गया कि हमें ऐसा एक क्योटो प्रोटोकॉल होनी चाहिए, लेकिन ये फोर्स में आती है 2005 में। इसके पीछे क्या रीज़न था, क्योंकि इसमें जो रेटिफाइड करना था कंट्रीज़ को, एनेक्स वन कंट्रीज़ को, मैं आपको बताने वाला हूँ एनेक्स वन कंट्रीज़ क्या है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मैकेनिज़म था। इसको रेटिफाइड करने में ही इतना समय लग गया और ये 2005 के बाद एक्शन में आती है। और इसका जो पीरियड था वो 2008 से 2012 तक का रखा जाता है, जिसमें कुछ बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए, किन किन कंट्रीज़ पर रखे गए वो हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड है, आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्योटो कन्वेंशन, इसमें कुछ एनेक्स बनाए गए। एनेक्स मतलब क्या होता है, जैसे कुछ मतलब लिस्ट बनाई गई, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो ऐसे सबसे पहले एक एनेक्स वन लिस्ट बनाई गई, जिसमें ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं और जो ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज जो डेवलप्ड होने की तरफ हैं, जैसे कि आप ऐसे कह लें बाल्टिक जो नेशंस हैं या फिर USSR से जो जुड़े हुए देश थे, तो ये काफ़ी ना तो वो डेवलपिंग है ना वो डेवलप्ड हैं, तो डेवलप्ड की तरफ वो जा रहे हैं। तो ऐसे इकोनॉमीज जो हैं इनको हमने एनेक्स वन में रख दिया। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योटो में जब बात करी जाए तो क्योटो में लगभग 37 ऐसी कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया गया जो डेवलप्ड हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन। तो ये कंट्री जो है इनको ठहराया गया रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये सारी जो कंट्रीज हैं डेवलप्ड हो चुकी हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसमें इन सब, ये सब जो है डेवलप्ड हो चुकी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन सब में हुआ, तो अब जो पॉल्यूशन हुआ है उसमें ज़्यादा जो रोल है इन्हीं कंट्रीज़ का है, इसलिए इन कंट्रीज़ को अलग करके इनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए कि भाई आप लोग जिम्मेदार हो तो आपको इतना तो कम करना ही पड़ेगा, इसीलिए उनको अलग एक एनेक्स में रखा गया, वो है एनेक्स वन। यानी कि इस लिस्ट में वो सारी कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइज हैं या फिर जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन हैं उन सबको यहां रखा गया। तो मैंने आपको बताया 37 ऐसी कंट्रीज थी प्लस यूरोपियन यूनियन, वो सब इसमें रखे गए। अब इसमें भी सब ग्रुपिंग की गई, सब ग्रुपिंग में क्या किया गया, एक इसमें से हमने एनेक्स टू बनाया, एनेक्स टू में ऐसी कंट्रीज निकाली इसी ग्रुप में से जो
टेक्नोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली हेल्प करेंगी ऐसी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी, यानी कि जो अभी डेवलप्ड नहीं हुई है, डेवलपमेंट की तरफ चल रही हैं, तो इनको आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये लोग डेवलप्ड हो चुके हैं और इन्होंने बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है। अब जो बारी है डेवलप्ड होने की, वो है डेवलपिंग कंट्रीज की या जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी, तो उनको आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करनी है प्लस ऐसी टेक्नोलॉजीज भी देनी है ताकि वो डेवलपमेंट की तरफ निकल सकें, राइट? तो ये हो गया, हमने एक सब ग्रुपिंग बना दी। अब इसी में से एक सब ग्रुपिंग हमने और बनाई। एक तरफ तो हमने वो कंट्रीज देखी जो पैसा और टेक्नोलॉजी में हेल्प करेंगी, अब दूसरी तरफ ऐसी कंट्रीज जो खुद बहुत डेवलप्ड हो चुकी हैं और उनका पॉल्यूशन में योगदान बहुत ज्यादा है, तो उन कंट्रीज को हमने आइडेंटिफाई किया और एनेक्स बी में डाल दिया। एनेक्स बी आप ऐसे याद रख सकते हैं, एनेक्स बी मतलब कि जिनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स होंगे, ठीक है? और बाइंडिंग टारगेट्स किनके ऊपर होंगे, मैंने आपको बताया ऐसी कंट्री जो डेवलप्ड है या फिर इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है, क्योंकि इनका रोल ज्यादा था, तो इनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स हैं, इनको अपना पॉल्यूशन कम करना ही करना है। और ये जो बाइंडिंग टारगेट्स हैं, ये अराउंड एवरेज आप निकालोगे तो 5% इन सारी कंट्रीज को एवरेज है ये कम करना होगा। और जो लेवल लिया गया किस किस ईयर से कम करना होगा, 1990 का ईयर लिया गया बेस ईयर, यानी इस टाइम पे जो स्थिति है उसमें आपको 5% रिडक्शन करना होगा, ठीक है? तो ये इसका बेस ईयर है, तो लगभग 5% एवरेज है। तो जैसे यूएस है, उसको 7% का एवरेज मिला, भाई आपने इतना सारा नुकसान पहुंचाया एनवायरनमेंट को, अब आपको 7% कम करना है अपने जो एमिशंस हैं जो आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट? तो एनेक्स बी कंट्री आप याद रख सकते हो, बी फॉर बाइंडिंग, ऐसी डेवलप्ड और इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन कंट्रीज जिनको रिडक्शन के टारगेट दिए गए हैं, बाइंडिंग टारगेट्स हैं, करना ही होगा, राइट? तो ये बी से आप याद रख सकते हैं बाइंडिंग, या फिर बी से ऐसे भी याद रख सकते हैं इनके पास कोई प्लान बी नहीं है, इनको रिडक्शन करना ही होगा, ठीक है? तो आई होप आपको एनेक्स वन कंट्रीज क्लियर हुई। एनेक्स वन में ही हमने एनेक्स एक टू बनाया जिसमें उनको सिर्फ फाइनेंशियली एंड टेक्निकली हेल्प करनी है। एनेक्स बी जो हमने बनाया हुआ है, इनको बाइंडिंग टारगेट्स दिए गए, ठीक है? अब हम चलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको रखा गया नॉन एनेक्स में। नॉन एनेक्स में मतलब ये ऐसी कंट्री होंगी जिनके ऊपर कोई बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैंने आपको बताया बी से आप याद रख सकते हो बाइंडिंग वाली कंट्रीज, तो एनेक्स बी मतलब बाइंडिंग वाली। नॉन एनेक्स ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग है, यानी कि जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये सारी अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इनके ऊपर कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। हालांकि इनको मोटिवेट किया जाएगा कि आप भी थोड़ा कम रखें, लेकिन ध्यान रखना इनके ऊपर कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है, इनको कोई रिडक्शन करने का यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा बोला गया था। और ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है? तो ये एनेक्स कंट्रीज, नॉन एनेक्स कंट्रीज, ठीक है? इसमें एक और एनेक्स लिस्ट आई जो थी एनेक्स ए। एनेक्स ए में रखा गया ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस जिनको आप रिड्यूस करिए, ठीक है? तो एक टर्म आप यहाँ पे पहले याद करिए, क्योटो प्रोटोकॉल में जो कॉन्सेप्ट था वो था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम सबकी कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पॉल्यूशन या फिर एमिशंस जो हैं वो कम करने हैं, लेकिन डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, डिफरेंशिएटेड मतलब सबकी अलग अलग है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो रिस्ट्रिक्शंस इन पर ज़्यादा लगाई है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अभी डेवलप्ड नहीं हुई हैं वो बढ़ रही हैं, अगर यहाँ पर आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टैंडर्ड है, वो सुधर नहीं पाएगा और यहां पे मतलब जो चीजें हैं वो डेवलपिंग ही रह जाएंगी, डेवलप्ड नहीं होंगी, ठीक है? ये वाली इकोनॉमी, तो इसलिए इन दोनों का रोल अलग अलग किया गया। डेवलप्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस टारगेट थे, डेवलपिंग के ऊपर कोई ऐसे टारगेट्स नहीं थे, जो रेस्ट्रिक्शंस वाले टारगेट नहीं थे। तो इसमें बस ये टर्म आपको याद रखनी है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? अब देखिए, ये ग्रीन हाउस गैसेस थी, ये 6 ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनके ऊपर जोर दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल में और उन्हें रखा गया एनेक्स ए में। तो आप याद कर सकते हैं, अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेस पता है तो ये बहुत आसान है याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप ध्यान रखना कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने बताया दैट इज CO2, यहां से याद रख सकते हैं आप, मीथेन, ये नाइट्रस ऑक्साइड, अगर आपको कैसे याद है तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस, इसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये आपको पता होगा बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, पर फ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये सारी जो गैसेस थी इन सबके ऊपर क्या रखा गया, रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। तो इन दो को भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो डेवलप्ड कंट्रीज थोड़ी सी हाइपर हो जाती हैं, तो हाइपर से आप याद रख सकते हो हाइड्रोफ्लोरो एंड परफ्लोरो, ठीक है? हाइपर हो जाती हैं, तो ये सल्फर हेक्सा, ये SF6 आपको याद रखना है, बाकी सब आपको याद हो जाएंगी। तो ये 6 जो थी ये एनेक्स ए में डाल दी गई, राइट? अब हम बात करते हैं, आपको याद हो गया होगा एनेक्स वन कंट्री क्या है, एनेक्स टू क्या है।
एनएक्स बी कंट्री क्या है, नॉन एनएक्स कंट्रीज क्या है, और लास्ट में ये एनएक्स ए क्या है, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली समझना था। अब हम बात करते हैं कि इसमें मैकेनिज्म क्या है, करना क्या था। हमने देख लिया कि एवरेज 5% से लगभग हम रिडक्शन कर रहे हैं, बट वट इज द मैकेनिज्म, क्या ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम करने वाले हैं। तो इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। पहला इसमें बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, दैट इज एमिशन ट्रेडिंग। तो ये पहली बार ऐसा किया गया कि आपके जो एमिशन हैं उसको आप खरीद और बेच सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूं, या फिर इसी को बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और तीसरा है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। तो एक एक करके समझते हैं इन तीनों को। सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज एमिशन ट्रेडिंग। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एनएक्स बी कंट्री होगी, बी फॉर बाइंडिंग, तो बाइंडिंग वाली कंट्री है उसको यहाँ पे क्या किया गया क्योटो में, उसके लिए कितना आप एमिशन कर सकते हो, कितनी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो आप रिलीज कर सकते हो, उसका कुछ उन्होंने फिक्स कोटा दे दिया। ठीक है, अब जैसे कोटा दे दिया, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया को बोला गया कि भाई आपको 200 का कोटा मिला है, यानी 200 यूनिट ऑफ CO2। ठीक है, एक यूनिट आप मान सकते हैं 1 टन ऑफ CO2, ये मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो 1 टन ऑफ CO2 को एक यूनिट मान ली, और ऑस्ट्रेलिया को मान लेते हैं अपन इस साल के लिए हमने कोटा दिया कि आपको 200 यूनिट से ज्यादा एमिशन नहीं करना है। ठीक है, अब इसको कैसे भी करके अपना एमिशन 200 के अंदर रखना पड़ेगा, लेकिन मान लेते हैं इसका जो एमिशन है वो हो गया 210। ठीक है, अब ये जो 10 है ये ऊपर चला गया इसके कोटा से, यानी कि इसने अपने टर्म्स को ब्रीच किया है। लेकिन वहीं पे दूसरी एक कंट्री है, वो भी एनएक्स बी है, जो है जापान। इसको जो है मान लेते हैं 100 यूनिट का टारगेट मिला था और इसने 90 ही यूनिट एमिशन किया है, यानी 10 इसके पास अभी बची हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया जापान से के कह सकता है कि भाई आपकी जो 10 यूनिट है वो मेरी बैलेंस शीट में दिखा दो, क्योंकि उधर 90 है, इधर 210 है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसकी जो 10 एक्स्ट्रा है, इधर जो 10 कम है, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यानी ओवरऑल इन्होंने अपने टारगेट में मेंटेन किया, लेकिन इसके लिए जापान को कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए ना। तो ये इंसेंटिव जो है ये पैसों में खरीदेगा। ठीक है, और पैसों में खरीदने के कारण इसको हम बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग, यानी कि इसने जो एमिशन अपना कम किया उसको बेच दिया, उसके बदले में पैसा कमाया, और इसने जो ज्यादा किया इसके इसको अपना बैलेंस करने के लिए खरीदना पड़ा। तो एमिशन को ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, एमिशन मतलब जो उत्सर्जन है गैसों का उसको हम खरीद बेच रहे हैं। समझ में आ गया आपको, इसी को हम बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, एमिशन ट्रेडिंग या फिर कार्बन ट्रेडिंग। तो आपको एक तो ये चीज समझ में आया। अब जैसे दूसरा एग्जांपल इसी में लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को 200 यूनिट का टारगेट मिला। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, छोटे छोटे टारगेट बनाए, कंपनीज को दिए कि भाई आप लोग ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है इसकी ए, उसको कहा गया कि 10 यूनिट से ऊपर नहीं कर सकते। दूसरी है बी, उसको कहा गया भाई आपके लिए 15 है। अगर इन दोनों का बैलेंस खराब होता है, मान लीजिए इसने 16 कर दिया, इसने जो है 9 किया, तो ये आपस में भी क्या करेंगे, एमिशन को ट्रेड कर लेंगे और बैलेंस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब ये जो है इसको बोलते हैं हम एमिशन ट्रेडिंग, राइट। तो ये आप ध्यान रखना, एनएक्स बी जो कंट्रीज हैं, क्योंकि टारगेट किन के ऊपर लगे हुए हैं, वही तो करेंगे एमिशन में ट्रेडिंग, बी कंट्रीज के ऊपर। तो एनएक्स बी कंट्रीज जो है इस तरह से एमिशन को ट्रेड कर सकती है। ओके, अब समझते हैं हम दूसरा मैकेनिज्म जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके पास वही 200 का कोटा लगा हुआ है, लेकिन इसने वही 210 कर दिया। अब ये इसके पास ऑप्शन है, पहला तो हमने देख लिया कि जापान से जाके बैलेंस कर ले, एमिशन ट्रेड कर ले। दूसरा इसके पास और भी ऑप्शन है, उसमें ये क्या कर सकता है, जैसे जो कंट्रीज हैं जो नॉन एनएक्स कंट्रीज हैं, नॉन एनएक्स में कौन कौन है, वो डेवलपिंग कंट्रीज जिनके ऊपर टारगेट नहीं है। तो आपने देखा इसमें इंडिया भी एक है, तो इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया अगर कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाए जिससे इंडिया का पॉल्यूशन कम हो जाए, ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए हम थर्मल पावर प्लांट था हमारे पास, वो थर्मल पावर प्लांट की बजाय ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मैं आपको सोलर लगा के देता हूँ, ठीक है, सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट से क्या होगा, ये थर्मल का जो एमिशन था वो हमारा कम हो गया, और मान लीजिए ये 10 यूनिट से कम हो गया और ये 10 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 10 यूनिट इंडिया में जाके रिडक्शन किया, एमिशन का रिडक्शन किया, तो ये जो 10 यूनिट इसने किया वो ऑस्ट्रेलिया की बैलेंस शीट में गिना जाएगा और इसको जो है 10 का क्रेडिट मिल जाएगा। समझ गए, तो ये है दूसरा मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। यानी अगर इसने हमारे यहाँ पे आके क्लीन एनर्जी में हेल्प करी, तो हमारा रिडक्शन किया एमिशन में, तो वो ऑस्ट्रेलिया की बैलेंस शीट में गिना जाएगा, दैट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो CDM होगा वो हमेशा एक एनएक्स बी कंट्री और नॉन एनएक्स कंट्री के बीच में होगा, बस इतना आपको समझना है।
और ये जो सारा हो रहा है एक एक यूनिट में हो रहा है, एक यूनिट होती है 1 टन ऑफ CO2, तो ये सारा जो है उसी यूनिट में होता है, ठीक है। और इसको जो मिलती है यूनिट्स उनको हम बोलते हैं CER, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ठीक है। तो ये होती है CER, भाई कितनी CER इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को मिली, ओके। अब हम चलते हैं तीसरे मैकेनिज्म की तरफ जो था हमारा ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। तो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या है, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए पिछले वाले में आपने देखा CDM में कि ऑस्ट्रेलिया जो है नॉन एनेक्स कंट्री यानी भारत में वो प्रोजेक्ट कर रहा था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जो ये है एनेक्स बी कंट्री वो दूसरी ही एनेक्स बी कंट्री में जाके कोई प्रोजेक्ट कर ले और वापस से वही अपना क्रेडिट क्या कर ले, बैलेंस कर ले। तो अगर दो एनेक्स बी कंट्रीज आपस में ये कर रही हैं तो फिर वो क्या होगा, दैट इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, यानी ऐसा प्रोजेक्ट जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों ही कौन सी कंट्री है, एनेक्स बी कंट्रीज है या फिर कैसे भी करके ये एमिशन अपना बैलेंस कर रहे हैं, वो वाला जो CDM के थ्रू नहीं हो रहा बल्कि ये खुद में ही कर रहे हैं, आपस में ही कर रहे हैं, नॉन एनेक्स कंट्री में नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज आपका जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। तो ये तीन तरह का मैकेनिज्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें CDM, और CDM के थ्रू बहुत सारा पैसा इंडिया एंड चाइना में आता है और इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमेशा से अब कहते हैं अभी के फेज की बात करें कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हटा के अब हम सबको डिफ्रेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सबको अपने हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी दो और वो इक्वली हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 150 साल का जो डेवलपमेंट पीरियड था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, उसमें सारे डेवलप्ड कंट्री जो हैं उन्होंने ज़्यादा रोल प्ले किया था जो एमिशन में, तो अभी इसीलिए इनके ऊपर ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, ऐसा अभी नॉर्म्स कहते हैं, राइट। तो ये है पूरा क्योटो प्रोटोकॉल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज, आपको करेक्ट मैच देखना था, पहला है नॉन एनेक्स कंट्रीज, उसमें लिखा हुआ है डेवलप्ड, तो आपने देखा नॉन एनेक्स कंट्रीज कौन सी थी, डेवलपिंग कंट्रीज, तो पहला हो जाता है आपका गलत, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं अपन, एनेक्स बी कंट्रीज, बी फोर मैंने आपको बताया था बाइंडिंग वाले यानी कि बाइंडिंग टारगेट्स, तो ये वाला सही है, ठीक है। तीसरा है बेस ईयर 1990, ये मैंने आपको बताया, तो 2 और 3 आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो आप हम इन सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.